नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू पीके क्लासेस। दोस्तों, आज हम बात करेंगे रिफ्रैक्टरी मटेरियल। रिफ्रैक्टरी मटेरियल क्या है, क्या इसके गुण हैं, इसके कितने प्रकार होते हैं और कहाँ पे इसका उपयोग किया जाता है। तो रिफ्रैक्टरी मटेरियल्स इंट्रोडक्शन, प्रॉपर्टी, टाइप्स एंड यूज, जो हमारे मटेरियल टेक्नोलॉजी एंड मटेरियल साइंस सब्जेक्ट में डिफरेंट सेमेस्टर के डिप्लोमा एंड बीटेक के स्टूडेंट स्टडी करते हैं। तो दोस्तों, जो रिफ्रैक्टरी है, रिफ्रैक्टरी हमारा सिरेमिक मटेरियल होता है। रिफ्रैक्टरी या सिरेमिक मटेरियल विच कैन विदस्टैंड हाई टेम्परेचर, मींस जो हाई टेम्परेचर पे वर्क कर सके, जो हाई टेम्परेचर पे यूज हो सके। ऐसे मटेरियल जिसको हम अधिक तापमान पे यूज करते हैं और यह पिघलते नहीं है। रिफ्रैक्टरी आर प्रोड्यूस फ्रॉम नेचुरल, इसको हम नेचुरल एंड सिंथेटिक मटेरियल्स, यूजली नॉन मेटेलिक, जैसे कि एल्यूमिना, फायर क्ले, वॉक्साइट, क्रोमाइट, डोलोमाइट, मैग्नेसाइट, सिलिकॉन कार्बाइड एंड जर्कोनिया, ये हमारे रिफ्रैक्टरी मटेरियल्स हैं जिसको हम नेचुरली या सिंथेटिकली बनाते हैं, जिसका उपयोग हाई टेम्परेचर पे किया जाता है और हाई टेम्परेचर को सहने की रिफ्रैक्टरी मटेरियल्स के अंदर क्षमता होती है। रिफ्रैक्टरी सर्वे टू पर्पज, रिफ्रैक्टरी जो मटेरियल होता है यह दो पर्पज को सर्वे करता है, जैसे कि आपका थर्मल इंसुलेशन एंड कंडक्शन। तो दोस्तों, जो भी छात्र पीके क्लासेस में फर्स्ट टाइम है, जिनने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। नेक्स्ट, प्रॉपर्टी ऑफ रिफ्रैक्टरी मटेरियल्स, रिफ्रैक्टरी मटेरियल्स के अंदर कौन कौन से गुण होते हैं। तो इसमें एक अच्छे रिफ्रैक्टरी मटेरियल्स में यह गुण होना चाहिए, जिसमें फर्स्ट, इट शुड बी एबल टू विदस्टैंड सडन अल्टरनेटिंग हीटिंग एंड कूलिंग और थर्मल शॉक। मींस जैसे कि दोस्तों, हम देखते हैं इलेक्ट्रिक फर्नेस हो गया, आपकी भट्टी हो गई, जहां पे हम हीट करते हैं और इसके बाद ठंडा भी करते हैं। तो जिस जो इसको रजिस्ट कर सके, विदस्टैंड सडन अल्टरनेटिंग, रुक रुक के या अचानक से टेम्परेचर आपने 800 डिग्री सेट कर दिया, इसके बाद आपने उसको टेम्परेचर को डाउन कर दिया, बंद किया, तो मींस इनके अंदर एक गुण होते हैं कि जो सडन अल्टरनेटिंग हीटिंग कूलिंग एंड थर्मल शॉक को क्या कर सकते, रजिस्ट कर सकते हैं। सेकंड है, इट शुड बी एबल टू विदस्टैंड हाई टेम्परेचर जनरेट इन द फर्नेस। जैसे कि हम जानते हैं, जो इलेक्ट्रिक फर्नेस होते हैं या जो हमारे अदर फर्नेस होते हैं, इलेक्ट्रिक हीटर हो गया, इन सब में रिफ्रैक्टरी मटेरियल्स लगा होता है, तो मींस ये हमारे मेल्ट नहीं होते, मींस ये टेम्परेचर को, इनकी टेम्परेचर को रजिस्ट करने की या झेलने की इसके अंदर क्षमता होती है और ये हाई टेम्परेचर पे यूज किए जाते हैं। इट शुड हैव गुड हीट इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी, इसकी हमारी जो इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी है वो बहुत अच्छी होती है। जैसे कि दोस्तों, आप इलेक्ट्रिक पोल देखते हो जहाँ से हमारी पावर सप्लाई होती है, तो उसमें हमारे सिरेमिक मटेरियल की एक गोल व्हील होती है जिसके ऊपर से हमारी केबल या वायर पास होता है। तो आपका जो पोल है वो मेटल्स का है, उसमें करंट नहीं आता है, लेकिन उसके पोल के ऊपर आपकी वायरिंग जा रही है और उससे, तो ये भी हमारे रिफ्रैक्टरी मटेरियल या सिरेमिक मटेरियल्स के ही होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, इफ यूज्ड इन इलेक्ट्रिक फर्नेस, यदि हम इसको इलेक्ट्रिक फर्नेस में यूज करते हैं, तो इट मस्ट हैव लो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इसकी जो कंडक्टिविटी होती है वो कम होती है इलेक्ट्रिकल। ठीक, नेक्स्ट, इट शुड बी एबल टू विदस्टैंड एब्रेशन एंड रफ यूजेस, हम रिफ्रैक्टरी मटेरियल को एब्रेशन में भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत हार्ड तो होते हैं और दूसरे साथ साथ इनका टेम्परेचर रेजिस्टेंस हाई होता है, और इसको हम रफ यूज भी कर सकते हैं, मींस इतने नॉर्मली से एक कुछ रिफ्रैक्टरी मटेरियल्स होते हैं जो कि ब्रेक नहीं होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इट शुड बी केमिकली इनएक्टिव एट एलिवेटेड टेम्परेचर, मींस केमिकली यह इनएक्टिव होते हैं एलिवेटेड टेम्परेचर पर। ओके, नेक्स्ट, अब देखेंगे टाइप्स ऑफ रिफ्रैक्टरी, रिफ्रैक्टरी कितने प्रकार के होते हैं। तो एक एसिड रिफ्रैक्टरी, बेसिस रिफ्रैक्टरी एंड न्यूट्रल रिफ्रैक्टरी। नॉर्मली रिफ्रैक्टरी जो है यह तीन प्रकार की होती है, एसिड, बेसिस एंड न्यूट्रल। तो जो एसिड रिफ्रैक्टरी होती है, दीज आर, मींस इसके अंदर हमारे सिलिका, फायर के लिए एल्यूमिना एंड एल्यूमिनियम सिलिका, ये हमारे आते हैं किसके, एसिड रिफ्रैक्टरी के अंदर, ये कहलाती है सिलिका, फायर के लिए एल्यूमिना, एल्यूमिनियम सिलिका, एसिड रिफ्रैक्टरी कहलाती है। बेसिस रिफ्रैक्टरी में
मैग्नीशिया, वॉक्साइट एंड डोलोमाइट, ये हमारे कौन से हैं, बेसिक रिफ्रैक्टरी होते हैं। और जो न्यूट्रल है, न्यूट्रल में दोस्तों क्रोमो मैग्नेसाइट एंड फोस्फेटेराइट, मींस क्रोमो हो गया, क्रोमो मैग्नेसाइट हो गया एंड फोस्फेटेराइट हो गया, ये हमारी जो होती है न्यूट्रल रिफ्रैक्टरी के अंदर आती है। तो यह हमारे सभी रिफ्रैक्टरी मटेरियल्स हैं जो अलग अलग क्राइटेरिया में रखे गए हैं, जिनके अलग अलग गुण धर्म होते हैं। ओके, नेक्स्ट दोस्तों एप्लीकेशन। रिफ्रैक्टरी मटेरियल्स बेसिकली हम देखते हैं जैसे बॉयलर हो गया, बॉयलर का फर्नेस हो गया, बॉयलर्स के अंदर हम जो फायर लाइनिंग बनाते हैं वो हमारे रिफ्रैक्टरी मटेरियल्स की होती है। आपने इलेक्ट्रिक हीटर देखा जिसको आप विंटर में यूज करते हैं, तो इलेक्ट्रिक हीटर में जो इलेक्ट्रिक कॉइल बाउंड होती है वो हमारी रिफ्रैक्टरी मटेरियल्स के अंदर बाउंड करते हैं। तो एक तो ये इंसुलेटिंग, मींस इसमें करंट नहीं आता है क्योंकि श्रमिक, और दूसरा आपका क्या होता है कि ये टेम्परेचर को रजिस्ट करने की इनके अंदर क्षमता होती है। न्यूक्लियर रिएक्टर हो गया, जेट इंजन, बॉयलर्स, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल फॉर एल्यूमिनियम प्रोडक्शन इत्यादि, इस जगहों पे हमारा रिफ्रैक्टरी जो मटेरियल्स है उसको हम यूज करते हैं। अब दोस्तों जैसे कि आपको कुछ पिक्चर्स के थ्रू मैं बताऊं, तो आपकी जो रिफ्रैक्टरी मटेरियल्स है, जैसे कि आपकी ये रिफ्रैक्टरी की ब्रिक्स दी हुई है, ये जो डायग्राम है इसमें रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स है, फर्नेस है जहां से हम मोल्टन मेटल्स के लिए क्या कर रहे हैं, मोल्ड केविटी के अंदर पोर कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक फर्नेस भी है, रिफ्रैक्टरी की अलग अलग रिफ्रैक्टरी की ब्रिक्स दी हुई है। तो ये हमारे किस धातु के बने होते हैं, किस मेटल से, नॉन मेटल में रिफ्रैक्टरी मटेरियल्स होता है, जो कि एक सिरेमिक मटेरियल्स हैं जिनके अंदर हाई टेम्परेचर को रजिस्ट करने की क्षमता होती है। तो दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।